नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेपाल में लगातार बारिश से बिहार में भारी तबाही। गंडक व कोसी से 6,61,295 क्यूसेक पानी हुआ रिलीज। 1968 के बाद पहली दफा रिकॉर्ड तोड़ छोड़ा गया पानी। अपराध पर नियंत्रण के लिए डीजीपी जिलों में करेंगे दौरा। भोजपुर से हुई इसकी शुरुआत। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने के लिए निर्देश। मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। सरकारी दफ्तरों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश। त्योहारों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की कही बात। सीएम नीतीश दिल्ली के लिए हुए रवाना। दिल्ली दौरे पर राजनीतिक हलचल हुई तेज। बीजेपी जदयू के बीच कई मुद्दों पर मतभेद के बीच ये दौरा अहम। इंडिया बांग्लादेश T20 सीरीज में मिस्ट्री गेंदबाज की वापसी। 3 साल बाद भारतीय टीम में लौटे वरुण। IPL में था शानदार प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नेपाल में लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। नेपाल में हो रही बारिश ने बिहार में तबाही मचा रखा है। उत्तरी बिहार में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। आज सुबह गंडक और कोसी बैराज से करीब 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 1968 के बाद आज पहली बार रिकॉर्ड तोड़ पानी छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग की टीम तटबंधों की सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर है। सभी को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। आपदा विभाग से जानकारी मिली है कि गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार के 13 जिले बाढ़ ग्रस्त हो चुके हैं। करीब 1,41,000 की आबादी पर इसका असर पड़ रहा है। हालांकि 3 राहत शिविर और 1 सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन हो रहा है, जहां 1200 शरणार्थी ठहरे हैं। इसके अलावा 240 नावों का परिचालन किया जा रहा। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के दौरान रैयतों से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्रपत्र 2 के जरिए जानकारी ली जा रही है। हालांकि कुछ गांवों के नाम सर्वे की ऑनलाइन वेबसाइट से गायब हैं या एक ही गांव के नाम अलग अलग क्रमांक पर दर्ज हैं। इससे अन्य गांवों के नाम सूची से हट गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास इस समस्या की कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन 3 दर्जन गाँव के बारे में सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। विभाग ने संबंधित सर्वे कार्यालयों को मामले की जाँच आदेश दिया है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सूची को अपडेट किया जाएगा। डीजीपी आलोक राज विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए हर सप्ताह जिलों का दौरा करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने भोजपुर जिले से की है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करने का निर्देश दिया है, जिसमें अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाना, जनता के शिकायतों को सुनना और पुलिस गश्ती को सक्रिय रखना शामिल है। डीजीपी ने पेशेवर और संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश, लंबित वारंटों का निष्पादन और कोर्ट में मामलों को जल्द ट्रायल कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं। साथ ही DIG और SP को आम लोगों की शिकायत सुनने और अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने को कहा गया है, ताकि लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने शनिवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य है, अन्यथा बिजली काट लिए जाएंगे। बैठक में सभी जिलों के DM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। उपभोक्ताओं की शंकाओं को दूर करने के लिए मीटर चेक करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि जनता का विश्वास बढ़ सके। इसके साथ ही त्योहारों के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली कंपनियों को तैयारी रखने को कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक करने पर भी जोर दिया है। प्रदेश में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते डेंगू के खतरे के बीच पटना हॉटस्पॉट बन चुका है। राज्य में अब तक डेंगू पीड़ितों की संख्या 2,994 हो चुकी है। वहीं पटना में 1,445 डेंगू मरीज हैं। बीते शनिवार पटना और कंकड़बाग में 13-13 डेंगू मरीज मिले। NMCH में डेंगू मरीजों के लिए 55 बेड रिजर्व किए गए हैं। मरीजों को मच्छरदानी लगाकर सोने की सलाह दी जा रही है। बिहार में जिस अनुपात से बिजली की खपत हो रही है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने आने वाले 10 वर्षों में बिजली की खपत 2 गुनी हो जाएगी। दरअसल इससे संबंधित रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं।
इस रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2033-34 तक बिहार में करीब 17,097 मेगावाट बिजली खपत होने का अनुमान है। अभी तक बिहार में अधिकतम 8,005 मेगावाट बिजली की खपत देखने को मिल रही है। साल 2005 में महज 700 मेगावाट बिजली की खपत हो रही थी और साल दर साल बिजली की खपत में वृद्धि देखने को मिली है। 2018 में करीब 5,000 मेगावाट का आंकड़ा पार हुआ था। बिहार में भागलपुर समेत 13 जिलों के बालू माफिया को आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू द्वारा तारीपार किया जाएगा, यानी उस क्षेत्र से भगा दिया जाएगा। ईओयू ने संबंधित जिलों के डीएम से प्रस्ताव मांगा है, जिसमें बालू माफियाओं और गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों की पहचान की जाएगी। भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है कि वे प्रस्ताव तैयार करें। इसके अलावा खनन विभाग और गृह विभाग भी अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसी बीच ईडी ने बालू माफिया अजय सिंह को गिरफ्तार किया है, जो अवैध खनन कारोबार में संलिप्त था और कोलकाता की एक कंपनी का निर्देशक था। बिहार के गया में केंद्रा बैंक के मेन ब्रांच के लॉकर से करीब 25 तोला सोना गायब होने का मामला सामने आया है। पीड़िता वंदना कुमारी, जो कोंच थाना बाली गांव की रहने वाली है, उन्होंने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने 2017 में लॉकर की सुविधा ली थी, लेकिन जब वे सोना निकालने गई तो लॉकर खाली मिला। वंदना ने आरोप लगाया कि बैंक के रजिस्टर से छेड़छाड़ हुई है और चाबी का नंबर भी बदल दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत हो सकती है। जब उन्होंने कर्मचारियों से जानकारी मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। मामला अब टाउन डीएसपी और सिविल लाइंस थाना को जाँच के लिए सौंपा गया है। रविवार को पटना से दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रवाना हो गए हैं, जहां उनकी कई राजनीतिक हस्तियों से मुलाकात की संभावना है। उनकी इस यात्रा को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश व्यक्तिगत कारणों से दिल्ली गए हैं, जिसमें रूटीन चेकअप शामिल हो सकता है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हालिया पटना यात्रा और उसके अगले दिन नीतीश कुमार का दिल्ली जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए मध्यवर्ती चुनाव की बात की है, ये मानते हुए कि सरकार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले के जरिए चुनाव की तैयारी कर रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी जदयू के बीच तालमेल भी बिगड़ता दिखाई दे रहा है, जिससे नीतीश का ये दौरा और महत्वपूर्ण बन गया है। पूर्व विधायक और जदयू जिलाध्यक्ष मुजाहिद आलम को ईमेल के माध्यम से धमकी मिली है। मुजाहिद किशनगंज जिले से पूर्व विधायक रह चुके हैं। उन्होंने शनिवार को एसपी सागर कुमार से मुलाकात कर इस मामले की जानकारी दी है। मुजाहिद आलम के अनुसार उन्हें 20 अगस्त 2024 से 8 बार धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि उनके फेसबुक आईडी को 3 से 4 दिन में डिलीट कर दिया जाएगा। पूर्व विधायक ने इस मामले में एसपी से जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल को जांच का जिम्मा सौंपा है और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले में फिलहाल जाँच जारी है। बिहार में बाढ़ से स्थिति गंभीर है। सारण जिला भी बाढ़ से ग्रस्त हो चुका है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज छपरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वे सुबह 10:30 बजे पटना से रवाना हुई और बाढ़ प्रभावित लोगों विशेषकर महिलाओं से मुलाकात की। वे छपरा शहर के साधु लाल पृथ्वी चंद्र उच्च विद्यालय के पास के क्षेत्रों में भी गई, जहाँ राहत कैंप का संचालन किया गया था। इसके अलावा उन्होंने माला गाँव में भी एक कार्यक्रम में भाग लिया। मालूम हो कि रोहिणी ने सारण से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने से हार का सामना करना पड़ा था। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच प्रशांत किशोर ने रविवार को पटना में जनसुराज की योजना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फरवरी में गांधी मैदान में बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट पेश करेंगे, जिसमें सभी 8,500 पंचायतों का विकास शामिल होगा। किशोर ने कहा कि वो पार्टी के नेता नहीं होंगे, बल्कि इससे भी बेहतर शख्स को नेतृत्व देंगे। उन्होंने बिहार की राजनीति में 1200 परिवारों का प्रभुत्व बताया है और दावा किया है कि जनसुराज नए और योग्य लोगों को अवसर देगा। उन्होंने राइट टू रिकॉल लागू करने की बात भी कही है और कहा है कि टिकट पाने के लिए उम्मीदवारों को शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया और अपनी जीत का दावा किया।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं। प्रशांत किशोर द्वारा शुरू की गई जनसुराज यात्रा 2 अक्टूबर को खत्म होगी। राजद नेता तेजस्वी यादव और जदयू भी कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP के मुकेश सहनी 1 अक्टूबर से बिहार यात्रा पर निकलेंगे, जो 3 चरणों में अगले साल 25 जुलाई तक चलेगी। सहनी ने पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर कार्यक्रमों की रणनीति बनाई है। 11 मार्च को युवाओं का कार्यक्रम होगा और उसके बाद जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यात्रा का नारा सरकार बनाओ अधिकार पाओ होगा। इस यात्रा के जरिए पार्टी सभी जातियों को शामिल करने पर जोर दे रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का 17 सितंबर को निधन हुआ था, जिसके बाद आज रंगभूमि मैदान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद मिसा भारती भी शामिल हुए। साथ ही इस अवसर पर शिक्षा जगत के प्रसिद्ध खान सर भी पहुंचे थे। पप्पू यादव ने अपने दिवंगत पिता की स्मृति में चंद्र नारायण प्रसाद स्मृति सेवा सदन नाम से विवाह भवन गरीबों के लिए समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने 2 एम्बुलेंस और कई जानवरों तथा सिलाई मशीनों का भी दान किया। प्रार्थना सभा में 1 लाख से अधिक लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें कई नेता पप्पू यादव से मिलने पहुंचे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज होने वाले हैं। इस सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इस 15 सदस्यीय टीम में एक ऐसा गेंदबाज का चयन किया गया है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। भारतीय टीम में 3 साल बाद इस खिलाड़ी की वापसी हुई है। ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि वरुण चक्रवर्ती है। ये IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। KKR के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। इन्होंने 14 पारियों में 21 विकेट अपने नाम किए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, सादुल्ला पालवी, विकास कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, विनोद महात्मा, नुन्नू गोलू कुमार, संजीव कुमार, गोनर शर्मा, हितेश यादव, सुमेर कुमार, रीजा कुमारी, आलोक प्रियदर्शी, नरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, इशांक, संतोष कुमार, पिंकी कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार क्या बिहार की राजनीति में नए चेहरे को लाने की जरूरत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।